मैं डॉक्टर डैक्स एम बी बी एस डी सी एच एम आई ए पी विद मोर देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैविंग एन डीप इंटरेस्ट इन द डिवेलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट स्मार्ट एंड हेल्दी ये सफ़र प्रेगनेंसी से छः महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी चार साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का आईक्यू अप टू थर्टी पॉइंट्स बढ़ सकता है जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस दिला सकता है आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन इन बेबी यानी कि बेबी में कब्ज़ सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बेबी में हम कॉन्स्टिपेशन कब बोलेंगे बहुत से बेबीज़ तीन से चार दिन तक स्टूल पास नहीं करते हैं और उसके बाद नरम सॉफ्ट स्टूल्स कंफर्टेबली पास करते हैं तो यह है नॉर्मल है इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है तो हम कॉन्स्टिपेशन कब बोलेंगे जब बेबी दो या तीन दिन तक स्टूल्स पास नहीं करता है और जब पास करता है तो बहुत हार्ड होता है और पेनफुल होता है और बेबी दर्द के कारण रोता भी है कई बार स्टूल्स के साथ ब्लड की स्ट्रीक भी लग के आ जाती है अब आते हैं कॉन्स्टिपेशंस के कारण जानने पर कॉन्स्टिपेशन कॉमन होती है उन बच्चों में जो टॉप फीड पर यानी कि फॉर्मूला मिल्क काओ बफलो मिल्क पर होते हैं ब्रेस्ट फेड मिल्क बेबीज़ के में यह प्रॉब्लम बहुत कम होती है क्योंकि माँ का दूध बेबीज़ आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं बेबीज़ की लार्ज इंटेस्टीन में फ्लोरा यानी कि गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि मदर्स मिल्क की डाइजेशन में हेल्प करते हैं इसके अलावा मदर्स मिल्क में मोटीलिन हार्मोन होता है जो कि इंटेस्टीन्स की, इंटेस्टीन की मूवमेंट को बढ़ाता है और बेबी स्टूल जल्दी पास करता है रेयरली कई और कारण भी हो सकते हैं जिसमें कि थायराइड हार्मोन की कमी मेंटल रिटार्डेशन स्पाइनल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा जिनके लिए बेबीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अब आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का इलाज कराना क्यों ज़रूरी है इसमें यह बात समझना ज़रूरी है कि जब एक बार बेबी को कॉन्स्टिपेशन होती है और बहुत पेनफुल होती है तो यह डर उसके दिमाग में बैठ जाता है अगली बार जब नॉर्मल स्टूल्स भी आ रहे होंगे तो वह यानी कि यह फोबिया के कारण वो स्टूल्स को रोकने की कोशिश करता है और जब यह नॉर्मल स्टूल्स को भी लंबे टाइम तक रोकता है तो स्टूल से वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है और आखिर में जब बेबी स्टूल्स पास करता है और हार्ड स्टूल्स पेनफुल होते हैं तो फोबिया अगली बार के लिए और पक्का हो जाता है और यह एक विशेष साइकिल बन जाती है इसलिए यह पैटर्न बनने से पहले आपको अर्लीस्ट बेबी को ट्रीट करवाना है नहीं तो एक बार ये फोबिया इस्टेब्लिश हो गया तो फिर ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अब आते हैं कि बेबी की कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए क्या करें अगर बेबी को हल हल्की कॉन्स्टिपेशन है और पहली या दूसरी बार हुई है तो सबसे पहले बेबी के पेट के एम्ब्लाइकस के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट मसाज कर सकते हैं बेबी को लटा कर बेबी की लेग्स की साइकिलिंग मोशन में चला सकते हैं जिससे कि एबडामिनल मसल्स टेंस होते हैं और इंटेस्टीस पर प्रेशर पड़ता है और बेबी स्टूल्स पास करने में हेल्प मिलती है अगर बेबी को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ग्लिसरीन बेबी स्पोस्ट्रीज बेबी के एन एस यानी कि टट्टी वाली जगह में डालने पड़ सकती है यहाँ पर आपको दो से तीन पॉइंट नोट करने पड़ेंगे एक तो स्पोस्ट्री फर्म होनी चाहिए पॉइंटेड एंड को अंदर डालना है और उसके बाद बेबीज के बुटक्स बटक्स को आपस में जोड़कर काफ़ी देर तक रखना है ताकि स्पोस्ट्री बाहर ना निकल जाए अगर इसके बाद भी बेबी स्टूल पास नहीं करता है तो डॉक्टर को चेक करवाएं। अब डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है अगर बेबी टॉप फीड पर है तो पूरी कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश हो सके इसके लिए हमारे ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ के वीडियोस देखें फॉर्मूला मिल्क को उचित मेजरमेंट करके ही बनाएं जो इंस्ट्रक्शंस उस प्रोडक्ट के ऊपर उसके बारे में दी गई हों काओ और बफलो मिल्क में बहुत सी मदर्स बहुत सारा पानी डालकर डाइल्यूट करके बेबीज़ को पिलाती हैं परंतु यह ठीक नहीं है इससे बेबीज़ वीक हो जाता है और उसकी ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर उचित कदम उठाने पड़ेंगे अगर बेबी को लगातार कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो आपको सूटेबल लेगजिव्स जो बेबी के लिए सेफ़ हैं डॉक्टर की सलाह पर देने पड़ सकते हैं और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टिगेट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है आखिर में यह भी ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है बेबी के एन में कोई भी चीज़ ना डालें जैसे कि साबुन का पानी किसी भी तरह का तेल फिंगर्स एक्सेट्रा जो कि बेबी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है और बेबी को पोष्टे की आदत भी ना डालें तो करो नर्चर हमारे बेबी को एक लविंग केयरिंग और इंट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर में जिससे हमारा बेबी बने सुपर इंटेलिजेंट स्मार्ट और हेल्दी ज्वाइन द मूवमेंट जॉइन आर एवर ग्रोइंग फैमिली बाई क्लिकिंग द लिंक बिलो एंड टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ हर बेबी मेमी मेमी पैपा पैपा, मेरे खातिर मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू मैमी, थैंक यू पापा